अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूँगा। सऊदी अरब में अगर कोई अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पे बुलाता है तो उसका वीज़ा का एक्सटेंशन करने के लिए एक अच्छा तरीका आ गया है, आसानी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यूरोप के सोने के जो आभूषण होते हैं उस पर आप जो है अब एक अलग तरीके का नया कानून आ रहा है वजारत तिजारत की तरफ से, वो चीज़ें नहीं करने मिलेगा। कई लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हम इस तरह के आभूषण खरीदें, अब वो खरीदने नहीं मिलेगा, क्या होगा वो भी आप लोगों से बताऊँगा। और जो है इसराइल और गाज़ा का जो फ़िलिस्तीन का जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसके रिगार्डिंग इसराइल कितने हद तक गिर सकता है और उसके सैनिक कितने कायर हैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा मैं। रिफ्यूजी कैंप होते हैं जहां पे लोग शरणार्थी लोग रहते हैं, वहां पे अटैक कर रहा है, स्कूलों पे अटैक कर रहा है उस, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहां की एक वीडियो आई है, तो उस वीडियो को देख के जो यहाँ इंडियन लोग हैं या इंडियन जो गवर्नमेंट है या फिर यहाँ की कुछ ऐसी सरकारें हैं, जो कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है या फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ बोल रहा है तो उसको जेल में डाल रहे हैं, उनको सबक लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्री में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले जो आप लोगों से जरूरी एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है। वो ट्वीट क्या है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया है कि मैंने बात किया महमूद अब्बास से। महमूद अब्बास जो हैं वो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, उनसे जो है उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता किया और जो अल अहली हॉस्पिटल पे इसराइल के द्वारा जो है हमला किया गया था उसके रिगार्डिंग उन्होंने बात की है। और उन्होंने बताया कि वो मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ ये खबर सुन के, और टेररिस्ट से जो पीड़ित हैं वहाँ के लोग उससे भी काफ़ी ये हूँ। और लास्ट में उन्होंने क्या, पूरा ट्वीट पढ़ सकते हैं, लास्ट में उनका कहने का मकसद यही है कि जो हमारा लॉन्ग इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो जैसा पहले था वैसा अभी भी फ़िलिस्तीन के साथ बरकरार है। हम लोग फ़िलिस्तीन का हमेशा जो है वहाँ पे जो भी राहत सामग्री या जो चीज़ें होंगी वो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे करने के लिए, पहुँचाने के लिए, और हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके। फ़िलिस्तीन के साथ हम जैसे पहले खड़े थे वैसे अभी भी खड़े हैं। तो इस ट्वीट को देख के हो सकता है कि जो कुछ भक्तगण जो हैं उन भक्तों को पेट में दर्द हो जाए या इसराइल को भी पेट में दर्द हो जाए कि ये मोदी ने क्या ट्वीट कर दिया। तो ये 13-14 दिनों से जो वॉर चल रहा है, जो इसराइल जो है लगातार हमले कर रहा है गाजा पे, और इन हमलों में आपको सुन के अचंभा होगा कि इतने कायर हैं वो लोग, जो हमला 160 स्कूलों पे, एक रिपोर्ट बताई गई है ये 13-14 दिनों में 160 स्कूलों पे बम गिराए गए हैं। और एक और चीज़ आप लोगों के सामने आई होगी कि अमेरिका खुल के इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, हालांकि जो है ना गाजा के लिए भी वो राहत सामग्री भेजने की बात कर रहा है, लेकिन इस केस में जो उसने वारशिप भेजा था उस वारशिप से जो है दावा यह है कि उसने 3 मिसाइलों को मार गिराया जो कि यमन की तरफ से जो है इसराइल पर छोड़ी जा रही थी। आपको मालूम है कि अब यमन भी इसमें कूद के सामने आ गया, इस जंग में यमन हो गया, लेबनान हो गया और फिलिस्तीन यानी हमास, तो ये लोगों मिल के जो है अब सीधा इसराइल पे हमले कर रहे हैं। दोस्तों सबको मालूम है कि अमेरिका खुल के इसराइल के सपोर्ट में है, तो रसिया ने सबको हैरान कर दिया है। रूस जो है वो उसकी आर्मी ब्लैक सी में, उसके भी जो वारशिप होते हैं वो वहाँ पे मूवमेंट ढूंढगा दिखाई दे रहा है, तो इससे हो सकता है कि अब अमेरिका भी घबराए और इसराइल भी घबराए, क्योंकि इसका फ़ायदा, क्योंकि ऑलरेडी इसराइल और अमेरिका जो है रसिया के खुले दुश्मन हैं, इन लोगों में पहले से ही नहीं बनती, हमेशा कोल्ड वार जारी रहता है, अब ये हो सकता है। और कई लोग ऐसा देख भी रहे हैं कि जो दुनिया बटी हुई है रसिया जो है फ़िलिस्तीन के साइड में है और बाकी अमेरिका फ्रांस या ब्रिटेन वगैरह हो गया ये जो है इनके साइड में इसराइल के। दोस्तों एक ये वीडियो आप लोग देखते चलिए, ये वीडियो देख के, इस पर किसी शख्स ने ये वीडियो डाला है और उन्होंने कहा है कि ये वीडियो अगर किसी मूवी का होता तो डायरेक्टर पे लोग हंसते ये क्या है, और सही हंसते, क्योंकि कहाँ पत्थर से फिलिस्तीनी लोग जो है हमला कर रहे हैं इजरायली जो आर्मी है जिनके पास गन है, मशीन गन है, पिस्टल है, उनके ऊपर ये लोग पत्थर से हमला कर रहे हैं। आप सोचिए कि पत्थर से कोई किसी को कितना घायल कर सकता है, लेकिन फिलिस्तीनियों के पास जो है यही हथियार है, क्योंकि फिलिस्तीन के पास अपनी आर्मी नहीं है। हमास जो लड़ता है वो कहता है कि हम फिलिस्तीन के ये में फेवर में लड़ रहे हैं, लेकिन हमास एक अलग ही मिलिटेंट कैंप है, वो अलग ही एक चीज़ है, लेकिन जो आम सिटीजन लड़ते हैं कभी उनकी लड़ाई होती है तो लोग पत्थर से मारते हैं। पत्थर से किसको मारते हैं, गनमैन को जिनके पास मशीन गन है। ये वीडियो आप लोग देखते चलिए, और वो लोग गन वाले डर रहे हैं पत्थर वालों से, तो कितने कायर हैं जो भी इसराइल के आर्म्ड आर्मी हैं, जो मिलिट्री है वो कितनी कायर है कि पत्थर वालों से डर रही है और पत्थर वालों पे फायरिंग कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इतना कायर है इसराइल कि इसराइल ने रिफ्यूजी कैंप में भी, इतना कोई बर्बर हो सकता है क्या, बर्बर कहें या कायर कहें जो भी कहें,
इसराइल जो है ये सही नहीं कर रहा है। इसराइल जो है जो रिफ्यूजी कैंप होते हैं, जहाँ पे शरणार्थी होते हैं, जो जिनका कुछ घर ठिकाना नहीं होता है, यूएन के द्वारा बनाया जाता है रिफ्यूजी कैंप, या कई देश भी बनाते हैं, उस रिफ्यूजी कैंप में ये लोग रह रहे थे। जबलिया रिफ्यूजी कैंप था, उसके ऊपर इसने बम गिरा दिया और इसमें लगभग 18 फिलिस्तीनियन की मौत हो गई। दोस्तों आप सभी लोगों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो मालूम है, काफ़ी नामचीन यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गाजा के सपोर्ट में कर रहे हैं। सब जो है लेट गए हैं, सबके हाथ में अलग अलग स्लोगन है। मेन जो इन लोगों का स्लोगन है वो ये है, डाई यानी हम मरेंगे, मरना। आपको मालूम है ये फिलिस्तीन के सपोर्ट में है लोग। और अगर आप इंडिया की बात कर लें, यहाँ पे जो है कितने ज़्यादा इजरायली सपोर्टर्स हैं आपको कुछ यही नहीं है। मतलब खुले दुश्मन मुसलमानों को, कहीं भी मुसलमानों को मारा जा रहा है तो मार दो, हम इसराइल के साथ में, भले हमारा इसराइल से कोई रिश्ता नहीं है, भले इसराइल की का जो रिलीजन है वो इस्लाम से मिलता जुलता है, क्योंकि वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी खतना कराते हैं, एक ही जगह से निकले हुए मजहब हैं, लेकिन आपसी जो लड़ाई है धार्मिक ये चलती रही मस्जिद अक्सा को लेकर के। लेकिन ये लोग यहाँ पे इतना मजे ले रहे हैं, और ऐसी ऐसी वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखेंगे इसराइल के सपोर्ट में, इनको शर्म नहीं आती है। जो लोग अगर फिलिस्तीन के सपोर्ट में कुछ रैली निकाल दिए या कुछ भी नारेबाजी कर दिए इसराइल के खिलाफ, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, ये भी छुपा नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सीखना चाहिए, और वहाँ की गवर्नमेंट से। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है गाजा को लेकर के इसराइल के खिलाफ, यहाँ तक कि यहूदी लोग, क्योंकि यहूदी देश है इसराइल, अमेरिका की यहूदी लोग भी जो है वो इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरों की। सऊदी अरब के जो वजारत तिजारत है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि, और इसको जो है टोटली बैन कर दिया। जो लोग भी वहाँ से जेवरात वगैरह खरीदते हैं ना, तो कभी पेंडेंट ले लिए, ताबीज़ टाइप का जो होता है गले में पहनने वाला, उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो किसी भी तरह के ज्वेलरी आइटम पर किसी भी तरह का कुरान का अरबिक कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, कुरान के जो है शब्द नहीं लिखे जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह लिखा हुआ जो पेंडेंट होता है जो गले में पहनने वो भी नहीं लिखा जाएगा। इसके पीछे वहां के जो मुफ्ती लोग हैं उन लोगों ने फतवा जारी किया है और गवर्नमेंट को बताया, तो गवर्नमेंट ने इनको बैन किया है। और लॉजिक ये है कि लोग ताबीज की तरह उसको पहन सकते हैं, यानी कुरान की आयतें लिखवा के ताबीज की तरह पहन सकते हैं, उसका जो है बेहुरमती हो सकता है, या फिर वो कहीं भी गले में पहन के लेके आना जाना, तो इससे अंधविश्वास का ये होता है। कुरान की जो चीजें हैं वो सीख के लिए हैं, और उसको जो है उसी मैनर में लेना चाहिए, ना कि ताबीज की तरह पहनना चाहिए। ये जो है उन्होंने एक लॉजिक दिया है, और इस लॉजिक को दे करके उन्होंने अब किसी भी तरह के कुरानिक शब्द जो होते हैं, जो कुरान के लिखे हुए शब्द हैं, वो कोई भी शब्द किसी भी ज्वेलरी पे सऊदी अरब में लिखे नहीं जाएंगे। तो सऊदी अरब में जो लोग भी अपनी फैमिली बुलाते हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छा जो है सुविधा शुरू हुआ है। जवाजात की तरफ से ये बताया गया है कि आप अपनी फैमिली को अगर सऊदी अरब में बुलाएं तो उनका वीज़ा एक्सटेंड करना होता है, बढ़ाना होता है 3 महीने में, तो वो 3 महीने में आप अफसर प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप अपने अफसर ऐप से ही उनके वीज़ा को जो है बढ़ा सकते हैं। आपको कहीं भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं, यानी जवाजात के ऑफिस पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा बढ़ाने के लिए। आप खुद से वीज़ा उनका जितना दिन चाहें फिर बढ़ा सकते हैं, और एक लिमिटेशन होता है 1 साल का वीज़ा मल्टीपल एंट्री का होता है, तो लोग बढ़ा लेते हैं। फिर फाइनल एग्जिट वगैरह भी लगाना है अपनी फैमिली का, या छुट्टी लगाना है वो भी आप अपने अफसर से लगा सकते हैं, या ये काफी अच्छा होगा कि अपने मोबाइल से टिक टक करके और अपनी फैमिली का वीजा वहां पे बढ़ा दे। दोस्तों वीडियो के आखिर में एक आप लोगों को जरूरी अपडेट देना चाहूंगा। आकाशा एयर का आप लोगों ने नाम सुने होंगे, और आकाशा एयर जो है एक इकोनॉमी क्लास की यानी सस्ती फ्लाइट देती है, और अभी तक ये ऑपरेट कर रही थी केवल इंडिया में, लेकिन अब इसको परमिशन मिल गया है, अब ये जो है रियाद, जेद्दा, दोहा और कुवैत यानी गल्फ कंट्रीज में अब धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी सऊदी अरब, ये दोहा कतर हो गया, कुवैत हो गया, यहाँ पे इनकी डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी तो और अच्छा होगा। जितनी मैक्सिमम फ्लाइटें उड़ेंगी उतना फेयर का लोड जो है वो कम होगा, और इकोनॉमी क्लास की ये फ्लाइट है ये आकाशा एयर, काफ़ी अच्छा इसका सर्विस इंडिया में चल रहा है। अब आगे देखते हैं गल्फ कंट्रीज में भी ये कितना आगे बढ़ सकती है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।